और कछुए के बच्चे कहीं अंडे वो किनारे पर रेत में छुपा के रखती है, और वो कछुआ पानी में तैरता रहता है, पानी में। लेकिन उसको याद रहती है हमेशा, और उस याद के कारण भी उन अंडों का विकास होता है। तो इसे स्पर्श से, दृष्टि से अथवा केवल स्मरण से बच्चों का विकास करने की रीति प्राणी जगत में है। इसे हमारा भी ये प्रकल्प चलता है तो उसके आप लोग तो प्रत्यक्ष स्पर्श से उसको बढ़ाने वाले लोग, ऐसे भी लोग हैं यहाँ कि जो बीच बीच में देखते हैं, और हमारे जैसे लोग भी हैं जो कभी कभार आते हैं। अभी पिछले बार मैं आया था, वो शायद 94 वगैरह ऐसा था, एक बार बीच में आया था लेकिन थोड़ी देर था। तो कई वर्ष हो गए, 12 वर्ष तो हो ही गए, एक तप ऐसा जिसको कहते हैं, 12 साल में आदमी पूरा बदल जाता है अंदर से, ऐसा जीव शास्त्र कहता है, एक एक उसकी कोशिका बदल जाती है। लेकिन आदमी बदल जाते हैं लेकिन उनके काम नहीं बदलते। तो घूमते घामते 12 साल में एक बार सब कुछ बदला है फिर भी वही है, ऐसी स्थिति में देखने को आते हैं। तो अशोक जी ने कहा कि आपके आने से उत्साह मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उतना ही हम कर सकते हैं तो करने में क्या हर्ज है। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कहीं भी कि ऐसा 12 साल में एक बार आकर केवल स्मरण करते हैं तो वास्तव में तो जो प्रत्यक्ष हाथ से काम कर रहे हैं उनको यहां बैठ के बोलना चाहिए, हमको वहां बैठ के सुनना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम की रीति ऐसी होती है कि ऐसे लोगों को यहाँ बैठकर उनसे बुलवाते हैं, वो करने वाले को सुनाते हैं। वास्तव में जैसे आपने कहा कि हमारे आने से उत्साह मिलता है, वैसे हमको भी आपको देखकर उत्साह मिलता है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी एक जगह, तो सब कैसा बिगड़ गया है, स्वार्थ की चिंता सब लोग करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसी चर्चा चल रही। तो मैंने उनको कहा कि भैया ऐसा तो है नहीं, अगर हम देखें तो जो अच्छा होता है वो जो खराब हो रहा है उससे 40 गुना ज्यादा है, हम देखते नहीं। आप अपने चारों ओर आंखें खोल के देखो तो अपने पूरे समाज में छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे इतने सारे लोग हैं, तो मन की जरा से तो भाग जाती है। अब जिनको मैं कह रहा था वो तो मेरे जैसे घूमने वाले नहीं है, उनको एक जगह जितना देखने को मिलता है उतना ही देखने को मिलता है। मेरा भाग्य यह है कि मुझे घूमने को मिलता है, और मेरा घूमना फिरना यही सब देखने के लिए होता है, तो इसलिए मेरे मन में निराशा कभी नहीं आती। देश का क्या होगा ये शंका मन में नहीं आती, अच्छा होना चाहिए, हो सकता है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे, ये भाव सदा बना बना रहता है। इसका कारण क्या है, आप सब लोग काम कर रहे हैं, आज से नहीं 40 साल से कर रहे हैं, जैसा उस समय तय किया था वैसा ही काम कर रहे हैं, बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, अनेक मोह आकर्षण भी उपस्थित हुए होंगे, लेकिन उसको न मानते हुए आपने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आप अपनी शक्ति लगा के, इसी को कहते हैं तपस्या। ये तपस्या हम सब लोग कर रहे हैं, और जहां तपस्या है वहां उसका परिणाम निश्चित है कि
किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, और किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सोच समझ के जो किया हो वो तो रंग लाता ही है। जैसे अब विकास भारती ऐसा नाम लेकर हम काम कर रहे हैं, विकास की बात सब कहते हैं, लेकिन विकास भारती कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाएगी। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसका उसकी योजना बना देंगे। जिसे भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास है। विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना, मूल उसका स्वभाव है, उसको अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी सर्कस आती है देखने के लिए, हम जाते हैं शहरों में, आती है तंबू लगाकर, उसमें उनके पास जानवर होते हैं, उनके खेल कराते हैं, तो उसमें हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाते हैं, शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं। हम पैसा देकर टिकट निकालकर उसको देखने जाते हैं, लेकिन कोई हमसे कहे कि हाथी का तो बड़ा विकास हो गया, बंदर का तो बड़ा विकास, क्यों? उनका विकास ये नहीं है, ये मनुष्य फुटबॉल खेलना सीख गया, अच्छी तरह फुटबॉल किया, खेला, अपनी टीम को जिताया, देश के लिए मेडल लाया, मनुष्य का विकास है। लेकिन बंदर साइकिल चलाए, हाथी फुटबॉल खेले, उनका विकास नहीं, वो तो जंगल के पशु है, उनका एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उनको दिया है, उनकी वो प्रकृति है यानी स्वभाव है, उसमें वो आगे जाएंगे तो उनका विकास है। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु आदमियों सहित अपने अपने घर में दुबक कर छुप जाते, जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है उस शेर को शेर क्या कहना। तो इसलिए अपनी प्रकृति, हम भारत के लोग हैं, हमारी एक प्रकृति है, पूरे भारत में एक है, भारत में बाकी सब अलग अलग है, सबकी पूजाएं बहुत अलग अलग है। अपने यहां कहते कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और नए नए आते रहते हैं, भाषाएं भी अभी या असुर भाषा का गीत गाया, यहां बैठे हुए भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, ऐसी हमारे यहां भाषाएं बोलियां मिलाकर कम से कम 3,800 है, उससे ज्यादा भी होगी। अलग अलग प्रकार का खान पान रीति रिवाज है, जहां की जैसी आबो हवा वहां वैसा खान पान, मनुष्य भी अलग स्वभाव के तो होते ही। लेकिन ऐसा सारा होने के बाद भी हमारे देश में सबका मन एक प्रकार का है, जो बाकी देशों का नहीं है, उनकी अपनी प्रकृति है, उनका अपना स्वभाव है, वो उस प्रकार के, हमारा अपना स्वभाव है। जैसे हमारे यहां हम बाजार में जाएंगे और कुछ खरीदेंगे तो आज भी पैसे देते हैं, गिन के पैसा देते हैं, जितना लिया उसका पैसा देते हैं, जितना पैसा दिया उतना तोल के लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो तोल के देने वाला थोड़ा सा ऊपर से देता है, अभी आम खरीदेंगे 100 खरीदेंगे तो 5 ऊपर से मिलेंगे, सब्जी खरीदी अब क्या होता है पता नहीं, पहले मैं तो घर में था तब तक घर के काम भी करने पड़ते थे, तो बाजार में जाके सब्जी लानी पड़ती थी, तो सारी सब्जी खरीदी तो वो धनिया की 4-5 एक जुड़ी की थोड़ी सी निकाल कर पत्तियां डाल देती थी ऊपर से। अब ये कहां से आया, ये सर्वत्र है,
सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है, कई पस्तुरी कहते हैं, कई पासंग कहते हैं, ऐसे शब्द है, भारत में है, बाहर ऐसा नहीं है, बाहर ऊपर से कुछ नहीं देंगे, तोल का बराबर देंगे। लेकिन हमारे यहां तोल के बराबर देने के बाद भी गलती से भी दूसरे को कम न चला जाए इसलिए ऊपर से देते हैं। मन की प्रवृत्ति क्या है, जो दिया है पूरा का पूरा ठीक से वापस करना। आजकल तथाकथित प्रगतिशील लोग उसको गिविंग बैक ऐसा कहते हैं, गिविंग बैक है ना, वापस देना। हमारे यहां तो ये अपने स्वभाव में है, पैसा ले रहा हूं, पैसा ले रही हूं, देना है तो कम न जाए। अब ये अपना स्वभाव है, ये किसने बनाया, कौन प्रवचनकार है जो ये बताता है, किस ग्रंथ में ये लिखा है, नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश में ये स्वभाव है। महिलाओं को देखने की हमारी दृष्टि, हमारे यहां महिलाओं की प्रतिष्ठा वो माताएं हैं इसलिए है, वात्सल्य उनका, सबका पालन करती है, अलग अलग स्वभाव की संतानें हैं, सबका एक साथ समग्र दृष्टि से विकास करती है, संस्कार देती है, पोषण देती है, तो मातृ स्वरूप है। इसलिए हमारे यहां जिसको पवित्र मानना, अच्छा मानना है, उसको माता बना देते, नदी को माता कहते, वृक्ष को माता कहते, गौ को माता कहते। जिन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है, अन्न दिया है, जल दिया है, संस्कार दिया है, वो हमारे लिए माता है, क्योंकि माताओं को ही हम देखते हैं महिलाओं में। हमारे यहां घरों में कोई व्यक्ति आ जाए और घर की छोटी बच्ची बात कर रही है, उसको पानी मांगना है, तो वो कहता है माई थोड़ा पानी ले आओ, छोटी बच्ची को भी माई कहे। कई प्रांतों में बच्चियों को पैर नहीं छूने देते क्योंकि वो माताएं हैं। अब ये केवल हमारे देश में है और सब में है, पूजा कोई भी हो, खान पान कोई भी हो, सब में ये प्रवृत्ति है। अब हमारी ये प्रवृत्ति है, हमारी ये प्रकृति है, इसी के आधार पर हमारा विकास होगा। इसको छोड़ के हम दूसरा कुछ करेंगे, हो सकता है उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो हमारा विकास नहीं किया जाएगा। कबीर महाराज ने कहा है केवल ऊंचा होना विकास है क्या पेड़ के लिए? कबीर महाराज कहते ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पथिकन को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो पेड़ बड़ा है, ऊंचा है, इसलिए हमारे यहां बड़ा नहीं मानते। जो छाया देता है वो बड़ा है, जो फल देता है जो बड़ा है। अपने पास जो है उससे दुनिया भर की सेवा जो करते हैं वो बड़े हैं, जिनके पास है वो बड़े नहीं है, जो पास है वो जो बांटते हैं वो बड़े हैं। ये हमारी प्रकृति है। हमारा जो कोई विकास आएगा होगा उसमें हमको समृद्धि मिलनी चाहिए, हमारे पास वैभव बढ़ना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, अभाव किसी चीज का नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा स्वभाव भी उसमें होना चाहिए। हमारे अभाव दूर करने के लिए अगर हम स्वार्थी बन गए तो वो हमारा विकास नहीं है। और इसलिए परंपरा ये महत्व की बात है, और केवल परंपरा से काम नहीं चलता, क्योंकि परंपरा तो है, स्वभाव अपना पक्का है, वो बदलेगा नहीं, परंतु दुनिया बदलती है, उसके अनुसार शरीर को बदलना पड़ता है। आत्मा एक ही रहती, शरण मन बुद्धि बदलती रहती, तो मैं वही हूं, लेकिन मैं गर्मी में आऊंगा तो मेरे कपड़े अलग रहेंगे, और घोर जाड़े में आऊंगा, अच्छा जाड़ा पड़ता है यहां भी, तो मैं स्वेटर पहन के आऊंगा, जाड़े में स्वेटर पहनता हूं इसलिए साल भर स्वेटर नहीं पहनूंगा, और साल भर स्वेटर नहीं पहनता इसलिए जाड़े में भी वैसे ही रहूंगा, ऐसे नहीं करूंगा।
क्योंकि स्वेटर बदलता है, मैं कायम हूं, मैं ठीक रहूं हर परिस्थिति में, इसलिए कपड़े बदलने पड़े। वैसे जमाना बदलता है तो बदले हुए जमाने में अपने स्वभाव को कायम रखकर हम चलते रहे, जीवित रहे, सेवा करते रहे, इसलिए नई रीतियों को भी अपनाना पड़ता है। नई रीतियां अपना पर भी जो स्वभाव में कायम रहेंगे, और स्वभाव में कायम रहकर भी जो पुराने नहीं होते, हमेशा नए दिखते हैं, अपने तरीकों को बदलते रहे, उनको दुनिया में विकसित कहा जाता है। अभी मैं अपने देश को देखता हूं तो हमारा आदिवासी समाज जो है, जनजातीय बंधु अपने जो है, वो पीछे रहे विकास में। वहां शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, बहुत काम करने की जरूरत है। ऐसा हम देखते हैं तो शहरों में रहते लोग, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसा मिलता है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर वगैरह बुला सकते हैं, दवा दारू की ठीक व्यवस्था कर सकते हैं, वो उनके पास है, इनके पास नहीं है। लेकिन दूसरी नजर से देखें तो आज ये अनुभव है प्रत्यक्ष, अपने वनों के इलाके में जहां हमारे जनजातीय बंधु परंपरा से रहते हैं, उन इलाकों में लोग शांति प्रिय हैं, प्रामाणिक है, सरल स्वभाव के हैं, जो बड़े शहरों में नहीं मिलता। यहां हम आके आंख मूंद के यहां के गांव वाले पर विश्वास रख के चल सकते हैं। शहर में जाने के बाद सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे बात करते हैं वो विश्वास रखने लायक है कि नहीं बता नहीं सकते। तो एक तरह से उनके पास स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह उनका विकास हो गया, यहां नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरह से देखे तो यहां पर शांति है, प्रामाणिकता है, सरलता है, यहां का मानव विकसित है, वहां का मानव नहीं है। उन्होंने नई रीतियां अपनाई, स्वभाव को छोड़ दिया। यहां स्वभाव सुरक्षित है लेकिन अभाव है। तो जिनके पास प्रभाव है उन्होंने अभाव दूर करने के लिए काम करना, और जिनका अभाव दूर कर रहे उनसे उनका स्वभाव भी सीखा। ये जो हम विकास करते हैं ना, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, ये हम कोई उपकार नहीं करते, ये काम हम करते हैं तो हमारा भी उसमें विकास होता है। और मनुष्य का असली विकास तो वही है, मनुष्य अपने जो सहयोगी है, अपने जो सहजीवी लोग हैं, मनुष्य अकेला नहीं रहता कभी। मनुष्य फांसी चढ़ने से डरता नहीं है, हंसते हंसते फांसी चले जाते हैं बड़े बड़े देशभक्त लोग, मरने से नहीं डरता मनुष्य। लेकिन अगर उसको अकेला रख दिया जाए बंद करके एक कमरे में, किसी के साथ नहीं, कोई मनुष्य दिखेगा नहीं, कोई चिड़िया चहकती हुई सुनेगा नहीं, पेड़ पौधों को देखेगा नहीं, चार दीवारों को ही देखते रहेगा, तो कुछ महीनों में पागल हो जाएगा। मनुष्य साथ रहना चाहता है और साथ में रहता है तो उसको संवेदना है, वो कितना भी खुश और प्रसन्न हो, अगर कहीं पर गमी की जगह चला गया तो हंसेगा नहीं, गंभीर हो जाएगा मन से। और कितना भी गम में हो, जहां हंसी के ठहाके लग रहे ऐसी जगह चला जाएगा तो वो भी हंसने लगेगा, वो वहां उदास नहीं रह सकता, क्योंकि अपने आसपास जो मनुष्य है, जीव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, उन वो प्रसन्न है तो ये प्रसन्न रहता है, वो दुखी हो गए तो ये दुखी होगा। सामने भूख से कराहता आदमी मांग रहा है खाने को, दो
और मैं भोजन के लिए बैठा हूं तो उसके सामने मैं भोजन नहीं कर सकता, या तो उसको दे के विदा कर दूंगा फिर खाऊंगा, या साथ बिठाऊंगा फिर खाऊंगा, बहुत पत्थर दिलू तो उसको जाने को कहूंगा, अकाल दूंगा, उसके सामने नहीं खा सकता हूं, क्योंकि मैं मनुष्य। हम जब ऐसी तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी संवेदना का समाधान होता है, हमको अच्छा लगता है। ये अच्छे लगने को ही कहते हैं पुण्य मिल गया, ये पाप पुण्य क्या है? पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, क्योंकि पर ही नहीं रहता, वास्तव में हम सब लोग एक हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन हम भारत के लोग क्योंकि एक स्वभाव के हैं, इस स्वभाव की कदर भारत में ही है, हम लोग इसको समझ सकते हैं, हम एक हैं। अगर हम एक हैं तो हमारे एकता का ही एक अंग लूला लंगड़ा रहेगा, हमको कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका एक हाथ एक पैर नहीं चल रहा है तो लोग उसको सतनी कहेंगे, बाकी मैं सब कर लेता हूं, ऐसा नहीं चलता भाई। पूरा एक एक अंग स्वस्थ होना चाहिए आप, तब आप स्वस्थ। ऐसे हमारा भारतवर्ष, उसका ये जो समाज है, वो समाज स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। वो समाज स्वस्थ है, उसमें कोई अभाव नहीं है, वो पराक्रमी है। ऐसा जब हम देखते हैं और हम विदेशों में जाते हैं तो वहां हम गर्दन ऊंची करके चल सकते हैं। अगर हमारा देश ऐसा नहीं, और हम कितने भी बड़े हैं और वहां गए हैं, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा कहते हैं कविवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर, गीतांजलि जिन्होंने लिखी, नोबेल पारितोषक जिनको मिला, वो जापान में गए और वहां की यूनिवर्सिटी में उनका एक भाषण रखा। तो भाषण के लिए वो गए, लेकिन वहां प्रिंसिपाल थे और लेक्चरर लोग थे, एक भी छात्र नहीं था। हॉल में प्रिंसिपाल और एक लेक्चरर लोग मिला के 50-100 लोग थे, बाकी 500-600 कुर्सी खाली, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एक भी नहीं। उन्होंने अध्यक्ष को कहा कि थोड़ा रुक जाते, लोगों को आने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, इंतजार नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। बोले कोई बात नहीं, मुझे आगे कोई कार्यक्रम नहीं, मैं रुकता हूँ। तो नहीं नहीं, आप नहीं समझते, अभी और कोई आने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने तय किया आपका भाषण नहीं सुनेंगे। बोले क्यों? कहा कि आप पहले भाषण अपना पूरा कीजिए, बाद में मैं बताऊँ। तो निरुपाय हो गया, जितने लोग थे उनके सामने उन्होंने अपना विषय रख दिया। और बाद में पूछा क्या हुआ, तो प्रिंसिपाल ने बताया हमारे छात्रों का कहना है कि बड़े नोबेल पारितोषिक विजेता है, ऐसे उत्तम कवि है, विद्वान है, सब है, लेकिन इनका देश तो गुलाम है, ये हमको क्या सिखाएंगे? इतनी विद्या है इनके पास, तो पहले अपने देश को गुलामी से छुड़ाओ, फिर यहाँ आके बात करो। कोई ऐरा गहरा ना थुकैरा नहीं था, रविन्द्रनाथ टागोर थे, लेकिन उनकी भी प्रतिष्ठा, हम लोगों की सबकी प्रतिष्ठा, हमारे आम आदमी की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, उसकी संपन्नता, उसका विकास, उस पर निर्भर है। और इसलिए हम ये जो काम करते हैं वो तो सेवा है, भगवान की सेवा है। जिनकी सेवा हम करते हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमको ये अवसर दिया। ऐसी तपस्या हम लोग कर रहे हैं। तो अपने ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखने से हम धन्य हो जाते हैं। मान लीजिए भगवान का दर्शन हो गया किसी को, वो कहता है बस हो गया, सब जन्म मेरे तर गए, अब कुछ रहा नहीं लेने देने का, पाने का, सब कुछ मिल गया, ऐसे धन्य हो जाते हैं। ऐसे इस प्रकार की तपस्या करने वाले लोगों के दर्शन से देखने वाला धन्य हो जाता है। तो मैंने कहा कि देखकर भी चिंता होती है, लेकिन केवल आपकी चिंता देखकर होती है, ऐसा नहीं, तो आपको देखने से हम धन्य हो जाएंगे, हमको विश्वास मिलता है,
हम बाकी जगह जाकर सीना ठोक के कह सकते कि अपने देश का भला होने वाला है। अरे ये सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़ है पता है, लेकिन बहुत लोग हैं जो गड़बड़ नहीं है, सही है, और जैसा करना चाहते वैसा कर रहे हैं। तो एक तरफ विकास भारती के काम से जिनका विकास कर रहे उनका कल्याण होगा, दूसरी तरफ विकास भारती के कार्यकर्ताओं को देखता है देश, तो देश का मनोबल आत्मबल बढ़ेगा। तो दोनों तरफ एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें घाटा किसी का नहीं, इसमें सबका लाभ है। और यह काम हमको हम ही रखकर हमको दुनिया के सिरमौर लोगों में एक बनाता है। स्वभाव को कायम रखकर हमको नया कलेवर समय के अनुसार देते रहता है, असली विकास हमारा इसमें से होते रहता है। यह ऐसा काम है इसे जैसे मनोयोग से आप बने हैं अभी तक, वैसे आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती हैं, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है, बाहर का विकास भी अंदर का विकास भी दोनों का कोई अंत नहीं है, ये निरंतर करने की बात है, और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करते, सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे, अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है, तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम देते हैं, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ, लेकिन ये मालूम है और ये करना भी पड़ता है, फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं, और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है, और इसलिए यह मत समझना कि इतने इतने काम करते इतने वृक्ष लगाए अब हो गया, नहीं भाई हो नहीं गया, वृक्ष लगते रहने चाहिए, इतने लोगों को पढ़ाया हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी उनको भी पढ़ाना है, पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती, ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है, और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है, और इसलिए आपको देखकर एक तो मुझे उत्साह मिला, आपने ये सब कुछ बताया बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है फिर भी मैंने बताया कि इसको छोड़ना नहीं कभी, इसको जारी रखना, और नए नए आयाम और नए नए क्षेत्र ये करते रहना, क्योंकि इतना बड़ा इतनी बड़ी दुनिया है,
इतने सारे लोग हैं अब्जावधि, तो सेवा की आवश्यकता तो सतत रहेगी, विकास की आवश्यकता तो सतत रहेगी, और करने में हम सब साथ हैं। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको आज ये तो लग ही रहा है कि बहुत वर्षों के बाद मैं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे वर्षों में मैं शरीर से यहाँ नहीं था, लेकिन एक विकास भारती है, उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है, उसमें ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनको कुछ आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए मैं क्या कर सक रहा हूँ। ये सारा विचार मेरा और मेरे जैसे लोगों का सदैव रहता है, और इसलिए कभी भी आप फोन उठा के हमसे बात भी कर सकते, कुछ चाहिए नहीं चाहिए बता भी सकते, हम भी आपको बता सकते, हम भी कह सकते कि अब मैं आऊंगा। ये अधिकार क्या है? ये अधिकार ये है कि हम एक ही प्रकार के लोग हैं, दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने के लिए, दुनिया के मनुष्यों को अच्छा बनाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ही आज दुनिया के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, वो अच्छा रहेगा तो सब अच्छा होगा, तो अच्छा रहे, सब प्रकार से अच्छा रहे, उसको कोई अभाव ना रहे, उस पर अपने स्वयं के स्वभाव का प्रभाव रहे, ये भारतवर्ष का स्वभाव है। और विशेष बात यह है कि ये स्वभाव खेतों से और जंगलों से निकला है, हम जिसको सनातन कहते, संस्कृति कहते, धर्म कहते, वो कैसे आया? वो राजमहलों से नहीं आया है, वो आश्रमों में से आया है। आश्रम में खेती होती थी, आश्रम जंगल में होते, ये सारा अनुभव जंगल में निवास करके खेती करके सीखे हैं लोग, उसके कारण हमारा स्वभाव बना है। समय के अनुसार हमारा वेश बदलेगा, हमारे कपड़े बदलेंगे, परंतु हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो स्वभाव सारी दुनिया के लिए तारक स्वभाव है। विशेषकर कोरोना के बाद दुनिया ये जान गई है कि रास्ता अब भारत के पास है, हमने सब प्रयोग 2000 साल में कर लिए, उससे सुख नहीं मिलता, उससे शांति नहीं स्थापित होगी, वो तो भारत का परंपरागत तरीका है, वही है, भारत के पास वो है, भारत के पास बाकी बातें आनी है, आ रही है, लेकिन और आनी है। तो जैसे मैंने कहा कि शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए, और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए, वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए, और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे, ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए, हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है, इस बात को आप समझिए, इतना एक अनुरोध रखता हूँ, और आप सबको जोहार नमस्कार करता हूँ, मेरे चार शब्द समाप्त।